बेस्ट गेम खेला जिन्होंने इस मंच पे। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। केबीसी को मिला एक और नया करोड़पति। जी हां, बिहार के अजीत कुमार बन चुके हैं केबीसी के नए करोड़पति। केबीसी का यह सीजन बिहारियों के लिए सौगात लेके आए हैं। केबीसी को इस सीजन में अब तक 4 करोड़पति मिल चुके हैं, जिसमें से कि 3 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि बिहार से आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सनोज राज, गौतम कुमार और अभी जो करोड़पति चयनित हुए हैं अजीत कुमार के बारे में। साथ ही जो चौथे कंटेस्टेंट जिन्होंने केबीसी के 1 करोड़ के सवाल का जवाब दिया था और जीता था, वो थी महाराष्ट्र की बबीता टांडे। आपको बता दें, नए नए करोड़पति बने अजीत कुमार मूल रूप से बिहार गया के रहने वाले हैं और फिलहाल जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पे बिहार प्रशासनिक एवं सुधार गृह में ट्रेनिंग कर रहे हैं। केबीसी में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 18 साल का लंबा इंतजार किया है। 18 साल के बाद अचानक उन्हें केबीसी से ऑडिशन के लिए कॉल आया तो वो अपने आप पे यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उनका ऑडिशन कंप्लीट हो गया तो उन्हें यकीन हो गया था कि वो एक हॉट सीट तक जरूर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि अजीत कुमार धनबाद के PKRM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, साथ ही वे 2002 से रेलवे में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे एक गैजेटेड ऑफिसर बने और 2017 में रेलवे के डिपार्टमेंट एग्जाम पास करने के बाद वे गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पे नियुक्त हुए और फिलहाल हाजीपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि केबीसी में उन्होंने अमिताभ बच्चन के फिल्म कालिया का एक डायलॉग मार के अमिताभ बच्चन का दिल जीता था। वो डायलॉग था, मैं जिस जेल में रहता हूँ वहाँ का जेलर या तो तबादला करा देता है या फिर लंबी छुट्टी पर चला जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो और आपका दिल जीता हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।